किं कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केन्द्रे बृहस्पतिः मत्तमातङ्गयूथानां भिनत्ये कोऽपि केसरी। वरिष्ठ आठ 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 है ना। किं कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे, जिस बालक के लग्न कुंडल में केंद्र में बृहस्पति बैठे हों, यस्य केन्द्रे बृहस्पति ही, जिसके केंद्र में बृहस्पति बैठे हों, उसके राजयोग को कौन काट सकता है। किं कुर्वन्ति सर्वे ग्रह, अन्य सारे ग्रह मिलके भी क्या कर लेंगे, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और वैसा हाल है जैसे कि मत्तमातंगयूताना, मदमस्त हाथियों के झुंड को अकेला सिंह जैसे खदेड़ के मार के अपना हिस्सा लेके चले जाता है, उसी प्रकार अकेला बृहस्पति यदि केंद्र में हो तो सभी ग्रहों को दबा करके अपना श्रेष्ठ फल देने में आगे बढ़ जाता है। इस तरह से बृहस्पति की महिमा गा लिया। इन्हें अभी समझना पड़ता है, ये नहीं कि अब ग्रह गुरु अकेला बैठा है 1 4 7 10 में केंद्र में तो सारे ग्रह बेकार है, कोई मतलब नहीं रह गया, यह अर्थ इसका अर्थ नहीं, प्रशंसा में है। लेकिन वाक्य में वो भी देखे, वो ग्रह कहीं गुरु वक्री तो नहीं है, केंद्र में है लेकिन वक्री तो नहीं, केंद्र में है और शत्रु राशि में तो नहीं, केंद्र में रहते हुए दुर्बल तो नहीं, केंद्र में रहते हुए दुष्ट ग्रह के झुंड एक साथ लगे हैं तो पीछे अनेक और चीजें देखनी पड़ती है, बलाबल तय किए बिना ये भी बात नहीं है। एक एव सुरराज पुरोधा केंद्र गो वतन व पंचम गो वा लाभ गो भवती यत्र विलग्ने तत्र शेष खचरैरबल किम। 11 अक्षर का छंद मिलाए थे और 11 अक्षर का पाद है, इसे तो क्या विशेषण स्पष्ट कर दिया, अबलई खेचरी, अन्य खेचर अन्य ग्रह क्या है दुर्बल है तो वो क्या कर लेंगे, यदि अन्य ग्रह प्रबल हो तो बृहस्पति को भी दबा सकते हैं, यही तात्पर्य हुआ। एक एव अकेला सुरराज पुरोधा, सुर बने देवता लोग उनके राजा इंद्र, इंद्र के द्वार का पुरोहित बृहस्पति अकेला ही, चाहे केंद्र में बैठा हो केंद्र में 1 4 7 10 में या 9 5 गोवा 9 और 5 बने त्रिकोण में, अथवा लाभ स्थान लाभ गो एकादश 11वें भाव में, अथवा विलग्न लग्न में साक्षात बैठा हुआ है, साक्षात लग्न में बैठा हुआ है, तो तत्र अबलई शेष खचरई किम, दुर्बल अन्य ग्रहों से क्या होना है वहां, वह गुरु को वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मतलब बृहस्पति अपना पूर्ण फल दे के रहेगा। यदि दुर्बल हो तो अबलई कह दिया, प्रबल हो तो गुरु को भी दबा देंगे, छोड़ेंगे नहीं, उसका फल नहीं मिलेगा, राजयोग भंग हो जाएगा। अब 8 7 15 अक्षर वाला भवति सरल मूर्तिर वल्लभ कामिनी नाम सकल जन समर्थो दीर्घ जन्मा विधेय गज विषय गुणज्ञो द्रव्य मुख्य प्रदान सधन कनक पूर्णो दैत्यपो यस्य केंद्रे, यस्य केंद्रे दैत्यपः, जिस के जन्म समय में दैत्यपह दैत्यों की रक्षा करने वाला उनका गुरु जो शुक्र वह केंद्र स्थान में बैठा हो तो, यस्य केंद्रे दैत्यपह, अभी तक यस्य केंद्रे बृहस्पति लिया, अब यस्य केंद्रे शुक्र को ले रहे हैं, तो क्या होता है, भवति सरल मूर्तिर, वह अत्यंत सरल स्वभाव वाला होगा, वल्लभ कामिनी नाम स्त्रियों का प्रिय हो जाएगा, सकल जन समर्थो समस्त लोगों में वह ज्यादा समर्थ और सक्षम होगा, दीर्घ जन्मा विधेय हो दीर्घायु होगा, अविधेय मने विनम्र होगा, गज विषय गुणज्ञ गज शास्त्र हाथियों के विषय में विशेष ज्ञाता होगा,
कैसे पकड़ना, कैसे उनको प्रशिक्षित करना हमने काम में लेने के लिए। एवं उनके गुणों का भी ज्ञाता द्रव्य मुख्य हो, इन धन को प्रधानता देने वाला है वो प्रधान। सामान्य लोगों में वह श्रेष्ठ भी होता है। सधन कनक पूर्णो, धन और स्वर्ण इन दोनों से वह पूर्ण होगा, संपन्न होगा। हम पुनः नवक्षर के पाद वाले ला रहे हैं, धनवान प्राज्ञ शूरो मंत्री वादंड नायक पुरुष दशमस्थे रवि तनये वृंद प्रग्राम नेतावा। दशम भाव में दशमस्ते रवि तनये, दशम भाव में यदि शनि बैठा हो तो वह व्यक्ति धनवान होगा, प्राज्ञ मने बुद्धिमान होगा, शूर होगा, मंत्री होगा, दंड नायक हो, दंड देने वाला अधिकारी मने जज साहब बनेगा, कोर्ट में दंड देने वाला बनेगा। और वृंद पुरग्राम नेता वा तथा किसी सामाजिक संगठन समूह वृंद अथवा ग्राम का वो नेता बनेगा, प्रधान बन जाएगा, पाटिल बन जाएगा। तुला को दंड मीनस्थो लग्नस्थो पिशनिश्चर करोति भूपतेर जन्म वंशे च नृपतिर्भवे। यदि शनि इन जगहों में बैठा है, कहा तुला कोदंड मने धनुर और मीन, तुला राशि, धनुर राशि और मीन राशि, इन राशियों में हो अथवा लग्नस्थो पिवा शनिश्चर हो, तो लग्न में बैठा हो शनिश्चर हो, करोति भूपतिर जन्म, जिसका जन्म ऐसी स्थिति में हुआ है निश्चित रूपेण उसे यह शनि भूपति बना देगा, भूपतिर करोति। और उसके वंश में वंशीच नृपतिर्भवेत, उसके वंश में भी राजा ही पैदा होगा। कहने के लिए ना बेटा राजा, लोग बोलते हैं, कौन नहीं बोलता अपने बेटे को राजा, बेटे को रानी, झूठे बोलते रहते हैं। लेकिन ऐसे ग्रह स्थिति में होगा निश्चित रूप उनका बेटा राजा बनेगा। अब 19 अक्षर वाला चंद 12-7, दिव्य स्त्री वर कांचनांबर गता माधा लक्ष्मी मय शास्त्रम कौतुक गीत नृत्य रतता व्यापार दीक्षा गुरु हो पुत्र भ्रातृ जनान्वित स्थिरमति कर्तात्विक प्रीत्यन्वितो जीव केंद्र गतो भवेन निज सुखी सत्कर्मकारी नरः। जन्म के समय में यदि बृहस्पति केंद्र स्थान में स्थित हो तब क्या होता है बता रहे। जीव केंद्र गतो भवेत, चौथे पद में ना, जीव मने बृहस्पति गुरु ग्रह, कहा हो केंद्र गतो भवेत, जन्म काल में के लग्न कुंडली में आप देख रहे हैं केंद्र में बैठा हुआ है, मैंने 1, 4, 7, 10 घर में बैठा हुआ है, तो वह व्यक्ति दिव्य होगा, अत्यंत सुंदरी दिव्य स्त्री मैंने अत्यंत सुंदरी स्त्री का वल्लभ बनेगा, पति बनेगा, दिव्य स्त्री सुंदर स्त्री की पति बन जाएगा। वर कांचनांबर गताम, और ऐसी स्त्री होगी वस्त्र के आधार से लक्ष्मी के समान दिखती है, ऐसा वेशभूषा आदि पहनी रहेगी, साक्षात लक्ष्मी घर में आ रही हो ऐसे लगेगी, ऐसे औरत का पति बनेगा वो। आधार लक्ष्मी मय, किसके आधार पर बता रहे, कांचन आंबर गताम आधार लक्ष्मी, कांचन सोना आभूषण आदि पहने हुए और वस्त्र बढ़िया बढ़िया साड़ी पहनी हुई है, 1, 2, 5, 10 की साड़ी नहीं, फालतू साड़ी, ये सब क्या साड़ी होती है, साड़ी हो जो 20-25 लाख रुपए का साड़ी हो, देखा आपने ऐसे साड़ी नहीं देखा आपने, हमने तो 2 करोड़ की साड़ी देखी, 2 करोड़ रुपए की एक साड़ी। हाँ, और साड़ी पे उन्होंने क्या कर दिया, सोने के तार बना के उससे उसको पिरो दिया,
और जगह जगह रत्नों से जड़ दिया, 1.5 करोड़ रुपए का। कौन खरीदे? नहीं खरीदने वाला नहीं है दुनिया में, उसके भी खरीदने वाले थे। तो वैसे भी लोग होते हैं। अब यहां 5-10 की साड़ी आते लोग, आदमी सब बहुत बड़ा काम हो गया, सुने भी नहीं देखे भी नहीं। ऐसे दिव्य साड़ियों को पहन करके आ रही है ऐसी स्त्री का पति बनता है। शास्त्रम, और शास्त्रों को ज्ञाता है कौतुक, खेलकूद, गीत, नृत्य, इन सभी में आसक्त होता है। व्यापार, दीक्षा, और जो व्यक्ति वह सामर्थ्य रहता है व्यापार संबंधी उपदेश देने के सामर्थ्य वाला है। व्यापार संबंधी उपदेश देना माने आजकल क्या बोलते हैं उसको, हाँ कंसल्टेंट, सुझाव देने वाले, दुकान बोर्ड लगते हैं कंसल्टेंट के, हर चीज के कंसल्टेंट है आजकल, तो किस चीज के नहीं है। और गुरु, गुरु का मतलब क्या, बहुत भारी होता है, श्रेष्ठ होता है। पुत्र भ्रातृ जनान्वितः, पुत्र भाई और अन्य पारिवारिक जनों से वह युक्त होता है। हिंदी में थोड़ा गलत छपी है, पारिवारिक जनों से युक्त होना चाहिए और कॉमा, फिर कैसा है वो, स्थिरमति ही, स्थिर बुद्धि वाला है वो, कर्ता, अनेक कार्यों को करने वाला, अति प्रीत्यन्वित, सभी लोगों से वह प्रेम करने वाला और खुद प्रेम पाने वाला होता है, और स्वयं भी निज सुखी, स्वयं में सदा सुख युक्त रहेगा। सत्कर्मों को ही शास्त्रविद, सत्कर्मों को ही करने वाला वह पुरुष नरह होता है। फिर 14 अक्षर वाला छंद, आकाश मंदिर गतस्तनुप स्वगेहे कुर्यान नृपम नृपति चक्रवरै सुसेव्यम सैन्य प्रताप दहना अनशत्रु पक्षम शक्रो यता सुरगणैश्च विराजमानः। आकाश मंदिर गता तनुप स्वगेह, जन्म के समय में तनुप, तनुभाव, लग्न का भाव, उसके प मन उसके स्वामी लग्नेश कहां बैठा है, दशम भाव में बैठा हो। आकाश मंदिर मन दशम भाव, तनुप मन लग्नेश बैठा है, अथवा वहां पर भी वह स्वगेह अपनी राशि में बैठा हो, तो वह जातक कुर्यान नृपम नृपति चक्रवरै सुसेव्यम, वह जात राजाओं से सुसेवित श्रेष्ठ राजा हो जाएगा, सम्राट राजा बन जाएगा। अपनी सैन्य प्रताप दहन आहन शत्रु पक्षम, अपने सेनाओं की प्रताप रूपी अग्नि से समस्त शत्रु पक्ष को नष्ट कर देने वाला है। शक्रो यथा सुरगणैश्च विराजमान, और जैसे देवताओं से सेवित इंद्र होता है उसके समान या राजा से सम्राट होकर विराजमान रहता है। फिर 15 अक्षर वाले पाद को ले रहे, 8-7 वाला, उपचय गृह संस्थो जन्मिनो यस्य चंद्र स्वगृह मत नवांशे केंद्र जाताश्च सौम्या सकल बल वियुक्ता चैव पापा विधाना सभवति नरनाथ शक्र तुल्यो बलेन। जिसके जन्म के समय में चंद्रमा उपचय स्थानों में है, उपचय मने 3, 6, 10, 11 में, उपचय गृह संस्थ यस्य चंद्र यस्य जन्मिनो, जिस जन्म लेने वाले बच्चे के उपचय गृह घरों में, उपचय गृह मने 3, 6, 10, 11 इनमें ही स्थित है, तो स्वगृह मत नवांश है, अथवा कहां बैठा है, स्वघर में है, अपने नवांश में स्वराशि में बैठा हो तो चंद्रमा, स्वराशि क्या उसका कर्क राशि, नवांश में होकर केंद्र में स्थित हो। केंद्र जाताश्च सौम्या, और जो शुभ ग्रह अन्य
वे सब कहाँ हो? केंद्र में बैठे हों। सभी शुभ ग्रह चंद्र के अलावा अन्य शुभ ग्रह केंद्र में विराजमान हो तो सकल बल वियुक्ता, वह व्यक्ति सभी प्रकार के बल से वियुक्त होगा। अर्थात सकल पाप ग्रह निर्बल होंगे। पापा बिताना सकल बल वियुक्ता का विशेषण है। पाप नामक जो ग्रह, पाप नाम से कहे जाते जो ग्रह है, वे सब ग्रह कैसे हो? अत्यंत दुर्बल हो। शुभ ग्रह केंद्र में बैठा हो, स्वगृह में नवांश में चंद्र हो और जन्म कुंडली में भी चंद्र उपचय ग्रह ग्रहों में संस्थित हो, 3, 6, 10, 11 में हो, ऐसी चंद्र जिसके कुंडली में है वह व्यक्ति सभवति नरनाथ, वह इस दुनिया में मनुष्यों का राजा बनेगा। अभी कैसे राजा? शक्र तुल्यो बलेन, इंद्र के समान बल वाला होकर के इस देश में राजा बन जाएगा। फिर 14 अक्षर वाले पदार्थ छे के विद्या कला गुण विरा जित काम धेनोर भोगई परोच्च युवती जित काम राज देशाधिपत्य पुर पर्यटन श्रमार्थो मीने सिते सकल मंडल दीप्त दीक्षा। शुक्र पुनः शुक्र को लेकर कह रहे हैं कहाँ बैठा हो? अभी यदि मीन राशि में बैठा हो, मीने सिते, मीन राशि में सित, सित माने शुक्र बैठा है, सित कहते शुक्र का सफेद होता ना साफ, इसीलिए मीन राशि में शुक्र बैठा है और स्थित होकर केंद्र में यथा गया हो तो मीन राशि में और केंद्र में मीन राशि माने 1, 4, 7, 10 1, 4, 7, 10 इन घरों में मीन राशि आया है और वहां पर शुक्र बैठा हुआ है, तब कहते हैं विद्या कुला गुण विराजित काम धेनु, वह व्यक्ति कैसे होता है? सकल विद्याओं से वह गुणों से युक्त होगा, विद्या से युक्त, कला से युक्त, गुणों से युक्त होकर कामधेनु के समान की तरह सभी प्रकार की कामनाओं से परिपूर्ण, भोगों से परिपूर्ण होकर के विराजित विराजमान रहेगा। एवं पर उच्च युवती जित काम राज हो, भोग मने आनंद विहार द्वारा पराई उच्च कुल की जो स्त्रियां हैं, पर जो उच्च कुल की स्त्रियां हैं, स्वकुल से श्रेष्ठ कुल के उच्च जो कोटि के कुल के स्त्रियों हैं उनको भी अपने वशीभूत कर लेने में सामर्थ्य रखता है वह पुरुष। जित काम राज हो उन सबको वशीभूत कर लेने वाला होता है, साक्षात कामदेव के समान दिखाई देता है। अरे भोग के अर्थ किया केवल कोष्टक में, भोग प्रज्ञ आनंद में मजे में रहता है, खाना पीना हर चीज है, कोई चीज की कमी नहीं, जो चाह रहा है सब कुछ मिल रहा है, काम धेनु के समान है ना, सर्वेच्छा पूर्ति होने आनंद में विहार करना है। और अभेदा उड़िया है छापने वाला, वबई और अभेदात कर दिया है, विहार बिहार एक ही चीज होती है। वब देशाधिपत्य पुर पर्यटन श्रमार्थो, और कैसा है? देश के प्रशासनिक भार तथा नगर दर्शन आदि के श्रम से वो हमेशा थका हुआ रहता है। सकल मंडल दीप्त दीक्षा, और समस्त मंडल के नागरिकों नगरवासियों को अपने जो है प्रखर जो विचारों से प्रभावित करता है, दीप्त रखता है, उनको प्रेरित करने वाला होता है, और प्रेरक बनेगा सभी का। यह थोड़ा आशुत छपी अगला श्लोक में अवग्रह चिन्ह जो है मे के बाद आना चाहिए। कामे अजकन्ये रिपुरंद्र संस्थे केंद्र त्रिकोण व्ययगे च राहु कामी च शूरो बलवांस भोगी गजाश्व छत्रम बहुपुत्रता च। यदि वह बहु होना चाहिए, वह छप गया, बहु
बहुपुत्रता च, अधिक पुत्र प्राप्त होता है। कहीं बहु को वह छाप देते हैं, वह को बहुत छाप देते हैं, आपको समझना पड़ता है वह बयोर अभेदात हो गया है, रड़े और अभेदात होता है, रलय और अभेदात होता है, र और डग जो रण हो जाता है, र के जो ड हो जाता है, घोड़ा सड़क पर फड़क फड़क के दौड़ता है, सब डकार को ड्र कर दे, घोड़ा सड़क पर फरक फरक कर दौड़ता है, रड़ियों रेदात कर देता है, रलियों रेत रल को वप को, ये सब प्रसिद्ध है शास्त्र में भी है, हकार सकार को साथ भी, सरस्वती है वेद में मंत्र है, सरस्वती हरस्वती है वेद में, सबको हा उच्चारण है, ये सब गलत तो नहीं, इसीलिए ठीक है, अपने आप अपने को जरूरत हो तो सुधार कर लो, वो बना लो नहीं तो समझ लो। काम है, काम मने सप्तम भाव, नीचे हिंदी भी गलत छप गई, समस्त भाव में लग दिया है, सप्तम भाव में, सप्तम बनाओ समस्त को, सप्तम भाव में अच मने मेष और कन्या राशि हो, तथा रिपुरंध्र संस्थ है, रिपु मने छठा कन्या और छठे घर, छठे घर में रंध्र मैंने आठवें घर में, केंद्र 1 4 7 10 में, त्रिकोण 5 9 में, व्यय 12वें में राहु, राहु इन जगहों में बैठा हो तो सप्तम भाव में हो, और सप्तम भाव में मेष राशि है तो कन्या राशि, और उसमें राहु बैठा होगा तो, अथवा छठे भाव आठवें भाव, केंद्र मैंने 1 4 7 10वें भाव, त्रिकोण 5 और 9वें भाव, और व्यय मैंने 12वें भाव में राहु बैठा हो तो वह व्यक्ति महान कामी होगा, कामी च शूरो, वह व्यक्ति कामी होता है लेकिन बहुत शूर भी होता है, बलवान हो बढ़िया खाता होगा चीजें, सिद्ध मकर ध्वज ऐसी चीजें खाता होगा, जब बलवान नहीं तो कामी है, भोगी रहेगा तो कमजोर हो जाएगा शरीर, उसके लिए बढ़िया चीजें खाता पीता है तो बलवान भी रहता है सा, ऐसा जब व्यक्ति भोगी अनेक प्रकार के भोग प्राप्त करता है, गजाश्व छत्रं हाथी घोड़ा छाता आदि से युक्त होगा, एवं बहुपुत्रता च अधिक संतान को प्राप्त करता, अनेक पुत्रों को प्राप्त करने वाला होगा, ये राहु की महिमा है। बृहस्पति लिया, शुक्र लिए, शनि और अब राहु को लेकर कह दिया, उससे पीछे चंद्र भी आया था, चंद्र को लेकर के भी कहे थे, मृगपति वृष कन्या कर्कटस्ते च राहु भवती विपुल लक्ष्मी राजा राजा अधिपो वाव, हय गज नर नौका मेदिनी पंडितश्च सभवति कुल दीपो राहु तुंगी नराणाम, 8 7 15 अक्षर वाला है ये पाद, विचित्र ग्रंथ का आ रही है, हर श्लोक अलग अलग छंद में लिख रही है, मृगपति वृष कन्या कर्कटस्ते च राहो, राहु कहां कहां बैठा हो तो, मृगपति माने सिंह, वृषभ माने 5 2 कन्या माने 6 कर्कटक माने 4, इन राशियों में हो तो वह व्यक्ति जो जन्मा व्यक्ति वह विपुल लक्ष्मी अपार धन संपत्ति से युक्त होगा, राजा राजाधिपो वा राजाओं का भी राजाधि राजा महाराज बनेगा, सम्राट बन जाएगा, और यदि राहु अपनी उच्च राशि में हो तो राहु तुंगी, राहु कैसा है तुंगी मैंने अपने उच्च राशि में बैठा हो तो वह उन मनुष्यों को क्या हाल कर देगा, यदि हय गज रत्न हय गज नर नौका मेदिनी पंडितश्च, उस व्यक्ति हाथी घोड़ा मनुष्य नौका तथा भूमि आदि के विशेषज्ञ हो जाएगा, हय पंडित हय पंडित गज पंडित नर पंडित नौका पंडित मेदिनी पंडित हो जाएगा, उन्हें हाथी विषय के ज्ञान, घोड़े विषय के ज्ञान, मनुष्य विषय भी ज्ञान और नौका विषय का ज्ञान और पृथ्वी भूमि विषय ज्ञान में वह महान पंडित बनेगा। और राहु को उच्च राशि का मतलब होता है मिथुन राशि, मिथुन में बैठा हो तो
सभवति कुल दीप, और वह अपने कुल में दीपक के समान प्रकाशक श्रेष्ठ पुरुष बन जाएगा। ये कहते हैं। फिर 11 अक्षर वाले छंद में आ रहे हैं। केन्द्र त्रिकोणे बुध जीव शुक्र सीता नारायणाम यदि जन्म काल है धर्मार्थ विद्या यश कीर्ति लाभी शांत सुशील सनराधिप स्यात्। कीर्ति के ही मात्र कट गया है। धर्मार्थ विद्या यश कीर्ति लाभी केंद्र त्रिकोणे बुध जीव शुक्रा जन के संवेदी बुध गुरु और शुक्र केंद्र में हो अथवा त्रिकोण में स्थित हो। केंद्र मने 1, 4, 7, 10 घर में हो अथवा त्रिकोण मने 5 और 9 घर में बैठे हो तो यह विशेष राजयोग हो जाता है। वह धर्म अर्थ विद्या यश कीर्ति इत्यादि जीवित अवस्था में इन सारी चीजों को प्राप्त कर लेता है। और कुछ होते हैं यश मृत्यु के बाद प्राप्त करते हैं। जीते जी शब्द गाली देते रहते हैं मरने के बाद, वाह कितना बढ़िया आदमी था, हम सबके गाली सुन सुन के प्रसन्न रहा। बाद में कुछ प्रशंसा करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। लेकिन जीवित अवस्था में यश, मृत्यु के बाद कीर्ति, ऐसे घटा लो। यश कीर्ति दोनों लिया ना, इसलिए कह रहे जीवित अवस्था में यश फैलेगा और मृत्यु के बाद और कीर्ति उसकी बढ़ जाती है। धर्मार्थ विद्या यश कीर्ति लाभी, शांत स्वभाव वाला होगा, सुशील होगा, नराधिप स्यात् एवं राजा हो जाएगा वो। फिर 8, 7 अक्षर 15 अक्षर वाला छंद ले रहे हैं। भृगुसुत सुर पूज्य चंद्रमा केंद्रवर्ती बहु सुख धन वृद्धि कर्म साध्यम नाराणाम रविसुत शशि पुत्रे भानुजीवे त्रिकोणे क्षितिसुत दशमे वैराजयोगा भवंती। भृगुसुत सुर पूज्य चंद्रमा केंद्रवर्ती, बच्चे के जन्म काल में केंद्र में कौन कौन बैठे हो? शुक्र भृगुसुत शुक्र और सुर पूज्य बृहस्पति एवं चंद्रमा। यदि केंद्र में हो तो 1, 4, 7, 10 में बैठे हो तो वह मनुष्य के क्या प्राप्त कराता है? बहु सुख धन वृद्धि, उस मनुष्य के सुख एवं धन की अधिक वृद्धि होगी। धर्म कर्म साध्यम नराणाम तथा मनुष्यों के सकल कार्यों की सिद्धि में सफल करने में वह निपुण होता है। रविसुत शशि पुत्रे भानुजीवे त्रिकोणे, और यदि रविसुत, रविसुत दूर छपा है, एक साथ होना चाहिए। रविसुत मने शनि, शशि पुत्र मने बुध, भानु मने सूर्य और जीव मने गुरु, ये चार ग्रह त्रिकोण में हो तो 5 और 9 घर में बैठे हो तो क्या होता है? तथा कहाँ है क्षिति सुत मंगल, कहाँ बैठा होगा? दशम में, दसवें घर में मंगल बैठेगा, तब क्या होता है? राजयोगा भवंती। ऐसी ग्रहावस्था वाला जो भी पैदा हुआ बालक है बालिका निश्चित रूप में राजयोग सुक्त वाले हैं, समझना चाहिए। फिर 11 अक्षर वाला छंद में पहुंच रहे हैं। केंद्र त्रिकोणेश भवंती सौम्या दुश्चिक्किल्ला भारी गताश्च पापा यस्य प्रयाणे प्यतजन्म काल है ध्रुवं भवेत् तस्य महीपतित्वम्। जन्म के समय यदि केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हो एवं पाप ग्रह कहाँ बैठे हो? दुश्चिक्किल्ला भारी गताश्च, दुश्चिक मने तीसरा, लाभ मने 11 और अरिगत मने 6 भाव, 3, 6, 11 में पाप ग्रह बैठे हुए हैं और 1, 4, 7, 10 में शुभ ग्रह बैठे हो तो यस्य, जिसके कुंडली में ऐसी ग्रह स्थिति हो तो वह प्रयाणे अप्यत जन्म काल, यात्रा काल में हो या जन्म काल में हो, यदि उसका योग ऐसा हो तो उसकी यात्रा काल में या जन्म काल में भी ऐसा, जब निकलते यात्रा के लिए यदि ऐसा योग में ये निकल रहा है तो जहां जाएगा वहीं उसको राजपद मिल जाएगा। एक बार ऐसे महात्मा थे उत्तरकाशी में,
ऐसे राजयोग में निकल गए होंगे आश्रम से, पंजाब चले गए, पद्दी मट्टे वहां जब वो गए थे उन्हें पता नहीं था दूसरे का आश्रम में रहे वो, क्या उसका नाम है ना फौस है नाम, वहां एक शहर में थे फगवाड़ा, वहां रुके थे वो। तो वहां की महंत ने कहा भाई उधर एक छोड़ छिए चलो चलते हैं सब, ये भी चले गए उनके साथ। बढ़िया जवान थे, दाढ़ी वाड़ी बढ़िया सुंदर से लग रहे थे, और जितने पंजाबी वगैरह थे ना ये बढ़िया लौंडा है इसको पकड़ो आओ, उसे जबरदस्ती गद्दी पे बिठा दिया। अब बिठा दिया तो बिठा दिया क्या, चादर उड़ा दी, सब हो गया सन्यासी भी नहीं ब्रह्मचारी, राजयोग था, इतनी बड़ी गद्दी मिल गई, करोड़ों की संपत्ति वाला आश्रम था वो, स्वप्न भी नहीं सोचे थे मिल गए। तो यात्रा काल में जैसे राजयोग में निकल पड़ता है वह राजा ही हो जाता है, और जन्म काल में जिसका ऐसा राजयोग तो कहना ही क्या है, वह राजा होना निश्चित है। लाभे त्रिकोण दिशीत रश्मि करोत्यवश्यं क्षितिपाल तुल्यम कुलत्वयानंदकरम नरेंद्रम ज्योत्स्नेव दीपस्य तमो अपहंत्री। 11 अक्षर वाले भी छंद। लाभे त्रिकोणे, लाभ स्थान मैंने 11वें भाव, और त्रिकोण मैंने 5 और 9वें भाव में शीत रश्मि चंद्रमा, शीत रश्मि का नाम है ठंडा है रश्मि जिसका, किरण है जिसका, मैंने चंद्रमा विराजमान हो तो करो त्यवश्यं क्षितिपाल अतुल्यं, वो उस जन्म हुआ बालक या बालिका को क्षितिपाल के समान बना देता है, राजा के समान ठाट बाट से युक्त कर देता है। और कुल द्वयानंद गरम नरेंद्रम, और दोनों कुल मातृकुल और पितृकुल, ससुराल को नहीं, मातृकुल और पितृकुल को द्वितीयकुल कहा जाता है, नहीं तो तीन कुल होते हैं ना, ये ससुराल वाला कुल तो जुट जाता है, जहां घर में पैदा हो वहीं दो कुल वाला ही है वो, एक मातृकुल एक पितृकुल है, और शादी हो जाती एक तीसरा कुल जुट गया है ना ससुराल वाला ससुर कुल, इसलिए त्रिकुल नहीं कहा है, त्रिकुल नंदन नहीं है, कुलद्वय नंदन है केवल, मैंने अपने मातृकुल पितृकुल को ही आनंद प्रदान करने वाला है, ससुराल को बड़ा कष्ट देने वाला होगा इसका मतलब तात्पर्य अर्थ निकालना पड़ेगा ना, उनका शोषण करता होगा। नरेंद्रम, ऐसा नरेंद्र होगा वो ज्योत्स्नेव दीपस्य तपो अपहंत्री, ज्योत्स्नेव दीपस्य तमो अपहंत्री, इतना ही नहीं जैसे अंधकार को दूर करने वाला दीपक होता है उसी तरह का वह राजा भी सकल लोगों के सकल प्रकार के दारिद्र्य और दुख आदि है उसको दूर करने वाला हो जाता है। शत्रुस्थान यदा जीवो लाभ स्थाने शशि भवेत गृह मध्ये सजातश्च विख्यात कुल दीपक। यहां से पुरानुष्ठ छंद ले रहे हैं। शत्रु स्थान, शत्रु के स्थान में यदा जीवो मैंने जीव मैंने गौण गुरु वह छठे भाव में बैठा है, शत्रु भाव मैंने छठा भाव, छठा भाव में बृहस्पति बैठा है, और लाभ स्थान में मैंने 11वें भाव में शशि भवे चंद्रमा बैठा है, तो वह अपने गृह में गृह मध्य चातश्च ऐसा स्थिति में पैदा हुआ बालक अपने घर के बीच में विख्यात सर्वश्रेष्ठ ख्याति को प्राप्त करेगा, तथा कुलदीपक अपने कुल का मान सम्मान को बढ़ाने वाला होगा। कुलनाशक भी होते कुलग्रह और कुलदीपक भी होते हैं। लग्नाधिपो वा जीवो वा शुक्रो वा यत्र केन्द्र गह तस्य पुंसश्च दीर्घायुहो सब वेद राजवल्लभ। लग्नाधिपो वा जीवो वा शुक्रो वा यत्र केन्द्र गह, लग्नेश बृहस्पति और शुक्र वे तीनों ग्रह यदि केंद्र में स्थित हों 1, 4, 7, 10 भाव में स्थित हों तो तस्य पुंसश्च दीर्घायु, वह व्यक्ति वह जो पुरुष है उस पुरुष के आयु दीर्घायु होगा, तथा वह भवेद राजवल्लभ राजा का प्रिय पात्र हो जाएगा। दशमे बुध सूर्यौ च
भौम राहु च षष्ठ गौ राजयोगो अत्रयो जातः सपमान नायको भवेत्। दशमे बुध सूर्य उच्च दशम भाव में सूर्य और बुध बैठे हों, भौम राहु च षष्ठ गौ मंगल और राहु छठे भाव में स्थित हो, तो वह व्यक्ति राजयोग अत्रयो जातः जो इस स्थिति में पैदा होता है वह राजयोग वाला हो जाता है। सपमान नायको भवेत्, वह इस योग के कारण से उत्पन्न जो पुरुष है निश्चित रूप से नायक होगा, राजा होगा, राजनेता बन जाएगा समझो। आदो जीवस्य निश्चान्ते ग्रहा मध्य निरंतरम राजयोगं विजानीयात् कुटुंब बलमुत्तमम्। आदौ जीव शनिश्चान्ते, आदि में कौन जीव माने बृहस्पति है, अंत में कौन शनि बैठा हो, तो कहते आदि अर्थात लग्न होता है, आदि माने प्रथम भाव लग्न, वहां कौन बैठा है बृहस्पति, अंत माने बारहवें भाव वहां शनि बैठ गया, तथा दोनों के मध्य में सभी ग्रह हो तो इन दोनों के बीच में और कहां जाएंगे, एक और बारह के बीच में तो सारे होंगे ही, ये कहानी की कोई जरूरत ही नहीं, और कहां जाए। कहानी का अभिप्राय है एक में और बारहवें में गुरु और शनि के साथ कोई दूसरे ग्रह नहीं होनी चाहिए, इसलिए कहना पड़ा एक में गुरु बारह में शनि कह दिया और बाकी ग्रह रहेंगे उनके बीच में, कहने की क्या जरूरत थी। ये कहने का अभिप्राय यही है, गुरु के साथ कोई ग्रह नहीं, शनि के साथ कोई ग्रह नहीं, बाकी सातों के सातों अन्य जगह में बैठे हुए हैं, इसी बीच में है, ये कह दिया। युति न हो, गुरु के साथ किसी की युति नहीं और शनि के साथ भी किसी का युति नहीं होनी चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। तब क्या होता है राजयोगम विजानिया, तब समझो वह राजयोग में है, उसका जो कुंडली राजयोग वाला कुंडली है। अतएव कुटुंब बलमुत्तमम्, तो कुटुंब का सामर्थ्य बढ़ाने वाला ऐसा विशेष राजयोग समझना चाहिए इस योग को। कुटुंब बलम उत्तमम राजयोगम विजानियात, ऐसा राजयोग है जो उसके कुटुंब में सर्वोत्तम बल को प्रदान करने वाला होता है। सहजस्थो यदा जीवो मृत्युस्थानी यदा सितः निरंतरं ग्रहा मध्ये राजा भवति निश्चितम्। ये यदा को एक साथ छापते हैं, थोड़ा दूर होना चाहिए। मृत्युस्थाने यदा सितः अर्थात सहज स्थाने तीसरे भाव में बृहस्पति बैठा है, मृत्युस्थान मैंने आठवें भाव में सितः मैंने शुक्र बैठा है, तीन में गुरु और आठ में शुक्र बैठा हो तो निरंतर ग्रह मध्य, और अन्य ग्रह किसके यहां भी उसे किसी का युति नहीं होनी चाहिए गुरु और शुक्र के साथ, बाकी सब ग्रह भीतर निरंतर में होनी चाहिए इसी बीच में। आपके लिए उन्होंने पहले साजस्थ तीन, तीन में गुरु है, आठ में शुक्र है, अर्थात चार पांच छह सात इन चार घर में ही बाकी सब ग्रह होनी चाहिए और उनके साथ की युति नहीं होना चाहिए। तब क्या होता है राजा भवति निश्चितम्, वह जातक अवश्य ही राजा हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जीवो वृष सुधा रश्मिर मिथुने मकरे कुजः सिंहे भवति सौरिश्च कन्यायां बुध भास्करौ तुलायां असुराचार्यो राजयोगो भवेदयम् अत्र योगे समुत्पन्नो महाराजो भवेन्नरः। आजकल जो है सारे श्लोकों को रटा हुआ पंडित को पकड़ना पड़ेगा, और जो है जो भी प्रधानमंत्री को भी उम्मीदवार बनाया जाए उसका पहले कुंडली चेक करना पड़े, राजयोग है या नहीं, बेकार खड़ा करो और हार जाओ फायदा भी क्या, पहले कुंडली देख लो, ऐसे जबरदस्त राजयोग वाला जो होगा उसको उम्मीदवार घोषित कर दो तो जीत जाएगा। लेकिन इन मूर्खों को कुंडली पर विश्वास तो है ही नहीं, न पंडितों पर विश्वास है, तभी यूं ही खड़े हो जाते, हार के दुखी हो जाते, फिर राजनीति शुरू हो जाते, उस पार्टी को तोड़ो, इसको तोड़ो, यहां से लो वहां से लो आदमी को और अपनी सरकार किसी तरह से बनाओ, ये लफड़े क्यों हो रहे, इसलिए हो रहे।
इन चीजों को देखना चाहिए, राज हो गैया नहीं जिसको खड़ा करना चाहते हो। कहा कौन है बता रहे, देखो जीवो वृषे, वृषभ राशि में बृहस्पति, सुधा रश्मिर मिथुन है, मिथुन राशि में चंद्रमा, मकरे कुजह, मकर राशि में मंगल, सिंहे भवति सौरिश्च, सिंह राशि में शनि बैठा हो, कन्यायाम बुध भास्कर, कन्या में सूर्य और बुध एक साथ युति होकर के बैठा है, तुलायाम मसुराचार्यो, और तुला में शुक्र बैठे हुए हैं, तो समझो राजयोगो भवेदयम, यह एक विशेष राजयोग है समझना चाहिए। अत्र योगे समुत्पन्नो, एतार्ष योग में जो उत्पन्न व्यक्ति है वह महाराजो भवेन्नरः, निश्चित रूपेण महाराजा बन जाएगा।